हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार आपके चहेते चैनल में स्वागत है। दिवाली वैकेशन से पहले हमने पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन का जो हमारा चैप्टर है उसके एक्सरसाइजेस के डाउट्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था। उसमें जो हमारी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है उसमें से पार्ट ए में जो मैच द कॉलम के पार्ट है, डाउट्स है, वो हमने कंप्लीट किए थे। अब उसी एक्सरसाइज में कॉम्प्रिहेंशन टू के डाउट्स जो है वो पेंडिंग थे, तो आज के लेक्चर में हम कॉम्प्रिहेंशन टू के डाउट्स को कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट ए की जो एक्सरसाइज है एडवांस लेवल में पार्ट ए की सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो देखो कॉम्प्रिहेंशन टू क्या है। यहाँ पे आपको पैसेज दिया होता है, उसमें जो डाटा दिया होता है उसको यूज करने के बाद, कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी को यूज़ करने के बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं उन्हें सॉल्व करना होता है। तो चलो देखो क्या है डाटा फॉर पॉइंट पी एक्स वन वाई वन। चलो देखो क्या है फॉर पॉइंट पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू। ऐसे आपको दो पॉइंट्स दिए पी एंड क्यू। द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड न्यू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज डिफाइंड बाय। सो डिस्टेंस डी फॉर डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ये डिस्टेंस कैसे दिया है, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वेयर। ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है। लेकिन अब कॉम्प्रिहेंशन में देखो यहाँ पे आपको ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसका यूज नहीं करना है। आपको जो डिस्टेंस फॉर्मूला दिया है वो डिस्टेंस फॉर्मूला ए है। तो अब आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ये पी एंड क्यू के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू। इस तरह से आप पी एंड क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड करोगे। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको गिवन है। तो आपको जब भी डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। दिस सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है। और बाहर जाके मतलब जब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। ये इस फॉर्मूले का यूज सिर्फ इसी क्वेश्चन में करेंगे। तो चलो देखो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, दिस क्वेश्चन में आपको इस तरह से क्या करना है, फाइंड करना है। आपको ओ दिया है, ओ इज ओरिजिन जीरो जीरो। आपको ए दिया है वन टू। आपको बी दिया है टू थ्री एंड सी दिया है फोर थ्री। इस तरह से आपको चार पॉइंट भी दिए है इन एक्स वाई प्लेन। तो चलो देखो बड़ा सिंपल है क्या है। देखो इस क्वेश्चन के लिए ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसका यूज करना है, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसका यूज नहीं करना है। अब देखो इसके नीचे जो क्वेश्चन है हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अच्छे से देखो क्या है। लेट आर ऑफ एक्स वाई, आर ऑफ एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ओ एंड ए। आर क्या है, ओ एंड ए से इक्विडिस्टेंस पे, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड आर एंड इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन, आप ऐसे लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन आर एंड ओ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन आर एंड ए। आप इस तरह से यूज कर सकते हो, ऐसा दिया है। विथ रिस्पेक्ट टू न्यू डिस्टेंस, तो आपको क्या करना है, ये जो न्यू डिस्टेंस फॉर्मूला है इसका यूज करना है। एंड इफ जीरो लेस इक्वल एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन वन एंड जीरो लेस इक्वल वाई स्ट्रिक्टली लेस देन टू देन आर लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट हुज इक्वेशन इज। क्या दिया है, एक्स की वैल्यू जीरो टू वन के बीच में है, जीरो है लेकिन वन नहीं है, एंड वाई की वैल्यू जीरो टू टू के बीच में, जीरो लेना है लेकिन टू नहीं लेना है। ओपन एंड क्लोज इंटरवल आपने स्टडी किया है। तो चलो देखो, तो आपको आर किस लाइन सेगमेंट पे आता है यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ये जो मॉड की कॉन्सेप्ट है इसे अच्छे से क्या करना होगा, समझना पड़ेगा। तो चलो देखो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये जो वैल्यू है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई ऐसा लिख सकते हैं अगर एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल क्या है वाई। और इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा,
y माइनस एक्स दैट इज माइनस ऑफ x माइनस y, ऐसा लिखना पड़ेगा अगर x लेस देन क्या होता है y होता है। तो ये देखो बहुत जरूरी है, इसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि इसका आपको यूज करना है। मोड ऑफ x माइनस वाई को हम सीधा x माइनस वाई लिख सकते हैं अगर x जो है y से बड़ा है तो। अगर x एंड y में y बड़ा है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ x माइनस वाई, या फिर क्या लिखना पड़ेगा, y माइनस x, ऐसा लिखना पड़ेगा। क्यों? अगर y बड़ा है x से तो। तो चलो देखो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला इस मॉड जो है इसे कैसे निकालना है आपको यहाँ पे मैंने बताया। मॉड ऑफ x माइनस वाई की जगह पे आप x माइनस वाई लिख सकते हो अगर x बड़ा है तो, या फिर माइनस ऑफ x माइनस वाई लिखना पड़ेगा अगर x छोटा है तो। अब देखो इसी फॉर्मुलेशन का यूज करना और इस कंसेप्ट का यूज करके हमें प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो है उसे सॉल्व करना है। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन R एंड O एंड डिस्टेंस बिटवीन R एंड A, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q कैसे फाइंड किया, P के कोऑर्डिनेट था x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट थे x2 y2, सो P Q के डिस्टेंस किस आया, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 एंड प्लस मॉड ऑफ y1 माइनस y2। सो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझाया। सो R के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई, O के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0, सो डिस्टेंस बिटवीन R एंड O कैसे बन करेंगे, मॉड ऑफ देखो PQ का जो डिस्टेंस है वो कैसे बन करना था, P का x कोऑर्डिनेट माइनस Q का x कोऑर्डिनेट और प्लस P का y कोऑर्डिनेट माइनस Q का y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन R एंड O, x कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या है x, माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या है 0, प्लस x y कोऑर्डिनेट ऑफ R y माइनस 0, ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन R एंड O। अब डिस्टेंस बिटवीन R एंड A फाइंड करना है। अब R आपके पास है एक्स वाई, ये आपके पास है 1 2, सो क्या आएगा डिस्टेंस बिटवीन R एंड A, x कोऑर्डिनेट ऑफ R दैट इज x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ A 1, प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ R दैट इज y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ A दैट इज 2, ये आ गया। सो डिस्टेंस बिटवीन R एंड O, डिस्टेंस बिटवीन R एंड A हमने फाइंड किया, लेकिन दोनों क्या लेना है, इक्वल लेना है, R से O एंड R से ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये दोनों सेम होंगे, सो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ y माइनस 2, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है x क्या है, 0 एंड 1 के बीच में, यानी कि x क्या है, पॉजिटिव है, सो मॉड ऑफ x की जगह पे सिर्फ क्या आएगा x, क्योंकि आपको पता है मॉड पॉजिटिव तब लेना है जब x ग्रेटर देन y है। यहाँ पे x माइनस 0 था, x क्या है 0 से बड़ा है, तो ये क्या आएगा x आएगा, प्लस मॉड ऑफ y, y क्या है 0 एंड 2 के बीच में यानी कि पॉजिटिव है, सो मॉड ऑफ y क्या आएगा y इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो x माइनस 1, तो x क्या है 0 एंड 1 के बीच में, सो x एंड 1 में बड़ा कौन है, अच्छे से देखो x क्या है आपका 0 एंड 1 के बीच में है, लेकिन x 1 से क्या है लेस है, छोटा है, ओके ना, सो x एंड 1 में बड़ा कौन है 1, x क्या है छोटा, तो ये छोटा, यहाँ पे देखो मॉड ऑफ x माइनस y, अगर x छोटा है y बड़ा है तो हमें क्या लिखना है, माइनस ऑफ x माइनस y, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ x माइनस 1, क्यों, क्योंकि x जो है 1 से छोटा है, प्लस मॉड ऑफ y माइनस 2, y क्या है 2 से छोटा है, सो y एंड 2 में बड़ा कौन है 2, सो मॉड ऑफ y माइनस 2 क्या आएगा माइनस ऑफ y माइनस 2। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाया था, अच्छे से देखो x माइनस y का मॉड अगर लेना है, अगर x बड़ा है तो x माइनस y आएगा, अगर y बड़ा है तो माइनस x माइनस y आएगा। इस मॉड निकालने की टेक्निक को अच्छे से दिमाग में डाल लो। तो फिर अब क्या होगा, x प्लस y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 माइनस y प्लस 2, ax से आके प्लस होगा, x प्लस x यानी कि 2x, ये माइनस y आके प्लस होगा, y प्लस y यानी कि 2y, 1 प्लस 2 यानी कि क्या मिलेगा 3, सो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ऐसा आपको इक्वेशन मिलेगा, यानी कि फर्स्ट का आंसर आपका आएगा डी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सो कॉम्प्रिहेंशन 2 में फर्स्ट जो है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छे से देखो समझो इसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपको न्यू डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे दिया है,
इस न्यू डिस्टेंस फॉर्मूले का आपको क्या करना है, यूज करना है। ओके, अब मॉड निकालने के लिए यहाँ पे समझना जरूरी है कि मॉड x माइनस वाई को आप x माइनस वाई डायरेक्टली लिखोगे कब, जब x y से बड़ा होगा। अगर y x से बड़ा है तो आपको क्या लिखना होगा, माइनस ऑफ x माइनस वाई। ये जो मॉड निकालने की ट्रिक से ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकोगे। डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है मैंने आपको यहाँ पे बताया, फॉर्मूला ही क्लियर है। P एंड Q के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या, मॉड ऑफ x कोऑर्डिनेट की सब्ट्रैक्शन प्लस मॉड ऑफ y कोऑर्डिनेट की सब्ट्रैक्शन। तो अब हमें यहां से कॉम्प्रिहेंशन 2 का सेकेंड क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो देखो क्या है सेकेंड क्वेश्चन। यहां पे फॉर्मूला मैंने मिस किया, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2 प्लस मॉड ऑफ y1 माइनस y2। यहाँ पे ओरिजिन था 0 0, ए था आपका 1 2, ओके, एंड बी था 2 3, इस तरह से। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का डाटा था इसलिए अब इसे इरेज करूँगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, लेट यस ऑफ एक्स वाई, पॉइंट दिया है आपको यस ऑफ एक्स वाई सच दैट यस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ एंड बी। मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन यस एंड ओ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन यस एंड बी। अच्छे से देखो, यस एंड ओ के बीच का डिस्टेंस एंड यस एंड बी के बीच का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। इफ यस ग्रेटर इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या दी है, ग्रेटर इक्वल टू, एंड वाई की वैल्यू क्या है, 0 less equal y, स्ट्रिक्टली लेस देन 3, ऐसा दिया है। ये जो डाटा है इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हमें सब्ट्रैक्शन लेना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव लेना होता है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन द लोकस ऑफ यस इज, तो आपको क्या करना है, यस की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यस दिया है एक्स वाई, और एक चीज़ दी आपको यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन यस एंड ओ एंड डिस्टेंस बिटवीन यस एंड बी, दोनों क्या है, सेम। तो आप सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन यस एंड ओ फाइंड करोगे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट की सब्ट्रैक्शन प्लस वाई कोऑर्डिनेट की सब्ट्रैक्शन। एक्स कोऑर्डिनेट की सब्ट्रैक्शन क्या आएगी, एक्स ओरिजिन मतलब 0, सो एक्स माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0। यह आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन यस एंड ओ। डिस्टेंस बिटवीन यस एंड बी क्या आएगा, चलो मॉड ऑफ एक्स माइनस बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2, प्लस वाई माइनस बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3। अब ये दोनों डिस्टेंसेस क्या है, सेम, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, तो फिर क्या मिलेगा आपको, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस 3। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2, यानी कि एक्स क्या है, पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव तो इसे यहाँ प्लस आएगा। वाई क्या है, 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव, सो यहाँ पे वाई आएगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, अच्छे से देखो एक्स क्या है, 2 से बड़ा है। अच्छे से देखो x क्या है, ये जो x है 2 से बड़ा है, ये बड़ा है तो फिर सीधा क्या आएगा, x माइनस 2 प्लस y माइनस 3। y क्या है, 0 एंड 3 के बीच में, लेकिन 3 से क्या है, लेस, तो y जो है 3 से लेस है, सो मॉड ऑफ y माइनस 3 क्या आएगा, माइनस y माइनस 3। ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से समझनी है कि अगर y बड़ा होता 3 से तो सीधा y माइनस 3 आता, लेकिन y छोटा है 3 से इसलिए माइनस ऑफ y माइनस 3 आ गया। मॉड कैसे निकालना है ये मैंने आपको बार बार यहाँ पे समझाया है। तो चलो देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 माइनस वाई प्लस 3, तो फिर क्या होगा, ये एक्स एक्स जो है क्या हो जाएगा, कैंसल, वाई आके प्लस होगा, सो 2y = 1, यानी कि y = 1/2। सो ये क्या है, y = 1/2, यानी कि क्या, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, y = 1/2, मतलब ऐसे आपको क्या मिलेगी, लाइन। तो ये लाइन क्या है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y = 1/2, यानी कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि क्या है, अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, सो आपका आंसर जो है वो क्या होगा, डी होगा। तो इस तरह से आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेकेंड में सेकेंड क्वेश्चन जो था वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन से आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन जो है उसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो देखो क्या है, लेट टी ऑफ एक्स वाई सच दैट, चलो देखो क्या दिया है, टी ऑफ एक्स वाई सच दैट
टी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ एंड सी. टी क्या है? ओ एंड सी से इक्वल डिस्टेंस पे, दैट इज टी डिस्टेंस बिटवीन टी एंड ओ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टी एंड सी विथ रिस्पेक्ट टू न्यू डिस्टेंस. इफ टी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, टी क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होता है. टी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज एक्स इज ग्रेटर इक्वल जीरो एंड वाई इज ग्रेटर इक्वल जीरो. फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट एंड वाई क्वाड्रेंट दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. देन टी कंसिस्ट ऑफ द यूनियन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ फाइनाइट लेंथ एंड एन इनफाइनाइट रे हुज लेबल्ड डायग्राम इज. तो आपको क्या करना है? टी के लिए एक्चुअली डायग्राम ड्रॉ करनी है. तो आप सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन टी ओ फाइंड कर सकते हो. डिस्टेंस बिटवीन टी एंड ओ अकॉर्डिंग टू न्यू कोऑर्डिनेट्स. क्या है डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला न्यू कोऑर्डिनेट्स का? कि एक्स कोऑर्डिनेट की सब्सट्रैक्शन प्लस वाई कोऑर्डिनेट की सब्सट्रैक्शन, ऐसा आपको क्या लेना है? फॉर्मुलेशन लेना है. तो चलो, डिस्टेंस बिटवीन टी एंड ओ क्या होगा? टी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस ओ यानी कि जीरो प्लस वाई माइनस जीरो. अब डिस्टेंस बिटवीन टी एंड सी फाइंड करना है. डिस्टेंस बिटवीन टी एंड सी क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन एक्स माइनस फोर प्लस वाई माइनस क्या होगा? वाई माइनस थ्री. ऐसा आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस बिटवीन टी एंड सी मिलेगा अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्टेंस फॉर्मूला. तो अब ये दोनों डिस्टेंस सेम दिए है तो क्या मिलेगा? मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस थ्री. अब यहाँ पे देखो, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, वाई ग्रेटर देन जीरो है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दिया है. लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? एक्स माइनस फोर आ गया और यहाँ पे वाई माइनस थ्री आ गया. तो फिर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो वो फोर से लेस हो सकता है या फिर फोर से ज़्यादा हो सकता है. सो आपको यहाँ पास कंडीशन लेनी होगी एक्स लेस इक्वल फोर एंड एक्स इज ग्रेटर देन फोर. ऐसा एक्स लेस देन फोर एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल फोर. और एक कंडीशन आपको मिलेगी y लेस देन 3 एंड y इज ग्रेटर इक्वल 3. इस तरह के कंडीशंस आपको लेने होंगे. सो पॉसिबल कंडीशंस आपको लेनी होंगी. तो x तो ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव आएंगे. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ y माइनस 3, ऐसा आपको मिलेगा. तो इनके बीच पॉसिबल केसेस आपको क्या करने होंगे? ट्राई करने होंगे. सो क्या हो सकता है? x लेस देन 4 एंड y लेस देन 3 हो सकता है. ओके, ये आपकी हो गई फर्स्ट केस. सेकेंड केस क्या हो सकती है? सेकेंड केस हो सकती है x लेस देन 4 हो सकता है लेकिन y ग्रेटर इक्वल 3 हो सकता है. या फिर थर्ड केस क्या हो सकती है आपकी? x ग्रेटर इक्वल 4 y लेस देन 3 हो सकता है. या फिर फोर्थ केस x ग्रेटर इक्वल 4 एंड y ग्रेटर इक्वल 3, ऐसा हो सकता है. ओके ना. सो ये फोर पॉसिबल चॉइस हमारे पास यहाँ से आती है क्योंकि x सिर्फ क्या है? ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 है, ऐसा उन्होंने बताया है. लेकिन x ग्रेटर देन 0 का मतलब वो 4 से लेस या 4 से बड़ा. सिमिलरली वाई ग्रेटर देन जीरो यानी कि क्या? थ्री से लेस एंड थ्री से बड़ा. तो आपके पास इस तरह के चार चॉइसेस मिलेंगी, उनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिया तो हमारे पास ये फोर केसेस क्रिएट हो जाएंगे. तो हम फर्स्ट केस को स्टडी करेंगे. अगर फर्स्ट केस को स्टडी करेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स लेस देन फोर है. एक्स लेस देन फोर है मतलब एक्स फोर से लेस है तो ये माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर होगा. वाई भी लेस देन थ्री है मतलब ये भी माइनस ऑफ वाई माइनस थ्री होगा. तो फिर क्या मिलेगा? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस फोर माइनस वाई प्लस थ्री. यह आके प्लस होगा, ये आके प्लस होगा. सो टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सेवन, ऐसा आपको फर्स्ट केस का आंसर मिलेगा. क्या मिलेगा? टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सेवन. सेकेंड केस में देखो, चलो सेकेंड केस में क्या होगा? एक्स लेस देन फोर एंड वाई ग्रेटर इक्वल थ्री. तो चलो देखो, यहाँ पे केस स्टडी करेंगे सेकेंड केस की. एक्स लेस देन फोर, सो एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा. एक्स लेस देन फोर मतलब ये निगेटिव होगा, एक्स लेस देन फोर है तो ये निगेटिव आएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर प्लस. लेकिन वाई थ्री से बड़ा है मतलब वाई थ्री से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा, वाई माइनस थ्री. तो क्या मिलेगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फोर प्लस वाई माइनस थ्री. वाई वाई क्या हो जाएगा? कैंसल.
सो आपको ये आके प्लस होगा, सो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस दैट इज 1, सो x इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई 2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1 बाई 2। थर्ड केस ले लो, चलो यहाँ पे थर्ड केस लेंगे, x ग्रेटर इक्वल 4, y लेस देन 3। अब x ग्रेटर इक्वल 4, x ऐसे रहेगा, y ऐसे रहेगा, x ग्रेटर इक्वल 4, सो x जो है 4 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव होगा, x माइनस 4, y लेस देन 3, y 3 से लेस है तो ये नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ y माइनस 3, तो फिर क्या होगा, x प्लस y इज इक्वल टू x माइनस 4 माइनस y, माइनस माइनस प्लस 3, सो x x कैंसिल होगा, यह आके प्लस होगा, सो 2y इज इक्वल टू माइनस 1, सो y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। ओके, ये आपको कंडीशन मिलेगी, लेकिन y क्या है, ग्रेटर इक्वल 0 है, सो ये केस पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ये केस क्या बनेगी, इनवैलिड बनेगी। आगे देखो नेक्स्ट फोर्थ केस जो है क्या होगी, फोर्थ केस ए एक्स आई से रहेगा प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स ग्रेटर इक्वल 4 है तो ये पॉजिटिव होगा, एक्स माइनस 4 प्लस वाई भी 3 से बड़ा है मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, वाई माइनस 3, एक्स कैंसल, वाई कैंसल, सो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू माइनस 7 है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, सो ये पूरी तरह से केस जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसल्ड हो जाएगी। तो चलो देखो अब हमें पॉसिबल चॉइस के साथ क्या मिले, पॉसिबल कर्व्स मिले, तो हमें क्या करना है, ये इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ ड्रॉ करना है, टेक्निकली वो किस तरह का होगा हमें देखना है और ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एक्स कहाँ वैरी होगा, 0 to 4 से, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लिया। वाई क्या है, वाई प्लस वाई 3 तक मतलब 1, 2, 3 and 4 इस तरह से। तो चलो देखो x 4 से लेस है, y भी 3 से लेस है, मतलब यहाँ कहीं पे जो होगा अंदर आना, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, अंदर लेना है, तो चलो मैंने यहाँ पे लिया 2, 2 लिया, सो x की वैल्यू करो क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 2 ली, y की वैल्यू भी 2 ली, सो 2x 4 प्लस 4 8, तो जो कर्व है वो क्या होगी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो इसे अगर हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x अपॉन 7 बाई 2 प्लस y अपॉन 7 बाई 2 इज इक्वल टू 1, मतलब x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट क्या होगा, सेम, और इंटरसेप्ट क्या है 7 बाई 2 का, यानी कि 3 एंड हाफ, सो ये 3 है यहाँ पे है, यहाँ पे 3 एंड हाफ यहाँ पे है, तो ये जो कर्व है ये कुछ इस तरह की होगी, लेकिन हमें x का तक लेना है 4 के अंदर, मतलब यहाँ तक ही लेना है, एंड y का लेना है 3 के अंदर मतलब यहाँ तक, सो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या लेना है, कर्व लेना है, सो ये आगे का जो पार्ट है ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 विद दिस कंडीशंस। अच्छे से देखो, x 4 से लेस लेना होना चाहिए, y भी 3 से लेस होना चाहिए, और x 4 से लेस y लेस 3, तो ये लाइन ड्रॉ की मैंने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, लाइन को प्लॉट किया, कहाँ तक लेना है ये आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, इस तरह से आपको क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी। अब देखो x ग्रेटर देन 4 है एंड y ग्रेटर देन 3 है, x लेस देन 4 है, x 4 से लेस है लेकिन y क्या है 3 से ग्रेटर है, तो आपको x की वैल्यू क्या लेनी है, हाफ, यहाँ पे 1 है, हाफ का आएगा यहाँ पे, सो जैसे ही आपने y की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी ली तो x की वैल्यू क्या है, 1 हाफ, मतलब ऐसी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से। अब देखो x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 4 से बड़ी, लेकिन y की वैल्यू क्या लेनी है, 3 से छोटी, तो y की वैल्यू क्या आती है, माइनस 1 हाफ, सो x y की वैल्यू 3 से कम है, 3 से कम मतलब नीचे, एंड x वैल्यू 4 से बड़ी है मतलब यहाँ से आगे, तो y की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस 1 हाफ, सो इस तरह की लाइन बनेगी, लेकिन हमें निगेटिव साइड में जाना नहीं है, तो इसे हम नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, तो ये थर्ड लास्ट केस तो वैलिड ही नहीं है, तो आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा, इसी स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ तक जाएगी, तो ऐसा जो ग्राफ है 3.5 तक, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 3.5 है, सो ये जो ग्राफ हमें दिखता है ऐसा ग्राफ हमारे पास एक ही जगह पे प्रेजेंट है, वो है ऑप्शन नंबर 1। तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का थर्ड क्वेश्चन है उसका भी आंसर यहाँ पे आ गया। तो ये जो एक्सरसाइज है एडवांस लेवल एक्सरसाइज जिसमें पार्ट ए जो था वो अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो नया था,
डिस्टेंस फॉर्मुलेशन का यूज़ करके हमें क्या करना था, कर्व्स फाइंड करने थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करने पड़े, केसेस लेने पड़े। हमने अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग कर्व्स ऑप्टेन किए, सिर्फ इसे क्या किया, हमने प्लॉट किया, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। सो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए यूज़ करना है, कहीं और क्वेश्चंस में इसका यूज़ नहीं करना है। तो चलो देखो, यहाँ पे आपकी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज का पार्ट ए के सभी डाउट्स कंप्लीट हो गए।